दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। मौत के बाद की जिंदगी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। इस गुत्थी को आज तक कोई नहीं सुलझा सका है। यहाँ तक कि विज्ञान भी इस रहस्य के विषय में सही जानकारी नहीं दे पाया। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की वो दुनिया कैसी होगी जहाँ वो अपनी मौत के बाद प्रवेश करता है, या फिर भूत प्रेत आत्माओं के किस्से अक्सर इंसानों के आसपास ही क्यों घूमते हैं? ऐसी क्या वजह है कि मौत के बाद भी कुछ आत्माएं अपने होने का एहसास दिलाती हैं? रहस्य की पड़ताल में आज हम आपको उत्तर प्रदेश के उन प्रेतवादित स्थानों के बारे में बताएंगे जहां आज भी भटकती हुई आत्माएं अपने होने का एहसास कराती हैं। लखनऊ का ये अस्पताल एक कब्रिस्तान पर बना हुआ है। कहा जाता है कि कब्र में दफन उन लोगों की आत्माएं यहां आज भी भटकती हैं। यहां पर दाखिल मरीजों और यहां के स्टाफ ने कई भूतहा गतिविधियों के होने का दावा किया है, जैसे कि रात के वक्त किसी के पैरों की आहट का सुनाई देना, खिड़की दरवाजों का अपने आप खुलना या बंद होना, या फिर किसी के दर्द से चीखने चिल्लाने की आवाजें आना। इस अस्पताल के अतीत से कई रहस्यमय किस्से जुड़े हैं। कहा जाता है कि यहाँ भूत प्रेत भी डॉक्टर के रूप में मरीजों का इलाज किया करते थे। कहा जाता है कि एक बार एक महिला यहाँ गंभीर हालत में लाई गई थी जिसका ऑपरेशन होना था, लेकिन उस दौरान ऑपरेशन के लिए कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। लेकिन जब अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा किसी डॉक्टर को बुलाया गया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि उस महिला का ऑपरेशन पहले ही हो चुका था। और वो ऑपरेशन किसने किया, ये बात आज तक एक रहस्य बनी हुई है। लखनऊ का ये घर नवाब वाजिद अली शाह का हुआ करता था, जिसे बाद में लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने ले लिया। कहा जाता है कि इस भवन में आज भी अंग्रेज सैनिकों की आत्माएं भटकती हैं। ये भवन भारत में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान हुए कत्लेआम से जुड़ा है। कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह पर आक्रमण किया था, तब यहाँ पर मौजूद कुएं में अंग्रेज सिपाहियों को मार मार कर फेंका गया था और उनकी आत्माएं कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। कहा जाता है कि जब वाइस चांसलर को ये घर दिया गया, तब उन्होंने इसके भूतहा होने को सिरे से नाकार दिया। अगले दिन जब उनके बच्चे ने कुएं में पत्थर फेंका, तो उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसने उस कुएं में सोई हुई आत्माओं को जगा दिया है, और उसी रात उस बच्चे का भी रहस्यमयी ढंग से कत्ल हो गया। ये सब होने के बाद वाइस चांसलर ने फटाफट झाड़ फूंक करवाकर यहाँ के कुएं को बंद करवा दिया। इस रेलवे क्वार्टर से एक अंग्रेज इंजीनियर बिल टर्नर की कहानी जुड़ी है। जानकारों के अनुसार उस इंजीनियर की पत्नी को किसी अंग्रेज अफसर से प्यार हो गया था। कुछ समय तक ये प्रेम लीला चलती रही, लेकिन एक दिन इंजीनियर ने अपनी पत्नी को उस अफसर के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद उस इंजीनियर ने उस अफसर की और अपनी पत्नी की हत्या कर दी और खुद भी आत्महत्या कर ली। आज भी उस इंजीनियर की आत्मा यहाँ पर भटकती है। स्थानीय लोगों ने कई बार यहाँ एक लंबे से आदमी को घूमते हुए देखा है और साथ ही साथ यहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाजें भी सुनी हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार यहाँ पर पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था, जिसे उजाड़ कर कॉलोनी का निर्माण करवाया गया। लोगों का कहना है कि यहाँ पर बुरी शक्तियों का साया है जो अपने स्थान से हटाए जाने के कारण इधर उधर भटक रही हैं। ये पूरी कॉलोनी आत्माओं के कब्जे में है, जहाँ बीच बीच में कई अनहोनियां घटती रहती हैं। लोगों का मानना है कि कॉलोनी की कुछ जगहें रात के समय काफी ज्यादा डरावनी लगती हैं। लोगों ने यहाँ पर कई डरावनी परछाइयों को देखा है और बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाजें भी सुनी है। माना जाता है कि जो भी इस कॉलोनी में रहने आता है, उसे यहाँ की आत्माएं ज्यादा देर तक टिकने नहीं देती।
सूत्रों के अनुसार इस स्थान पर आजादी की लड़ाई के समय 72 ब्रिटिश सिपाहियों को मार दिया गया था, जिसमें 2300 भारतीय नौजवान शहीद हो गए। उनकी मौत के बाद अंग्रेजों ने उनकी लाशों को वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया और उनके परिवार को उनका क्रियाक्रम भी नहीं करने दिया। तब से लेकर आज तक इस जगह को भूतहा माना जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ पर रात के वक्त कई चीखें और रहस्यमय परछाइयों को घूमते हुए देखा गया है। मुगल शासन में बनाया गया 12 इमाम बाड़ा एक शानदार इमारत है जो मुगल वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ये लखनऊ की सबसे भव्य सुंदरता में से एक है। इसका निर्माण सन 1785 में किया गया था, जब ये इलाका अकाल की चपेट में था। इसके निर्माण का उद्देश्य लोगों को रोजगार प्रदान करना था। अकाल पड़ने के कारण इस स्थान पर कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिनकी आत्माओं को आज भी यहाँ पर घूमते हुए देखा जाता है। अक्सर लोग जो यहाँ प्रवेश करते हैं वह कभी वापस नहीं लौटते। इस स्थान पर एक तहखाना भी है जहाँ ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों को कैद करके रखा जाता था। यहाँ आने वाले लोगों ने कई बार कुछ रहस्यमयी परछाइयों को भटकते हुए देखा है। ये इमारत HCL कैंपस के सबसे भूतहा स्थानों में से एक है। यहाँ के कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने छत से खून टपकते हुए देखा है। कभी कभी यहाँ के ट्रेनिंग रूम में एक अनोखी खुशबू निकलकर चारों ओर फैल जाती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस तरह की कई अजीबोगरीब गतिविधियां यहाँ होती रहती हैं। कहा जाता है कि इस फैक्ट्री में आग लगने से कई लोग मारे गए थे, जिसके बाद इस फैक्ट्री के मालिक ने इसे एक कॉल सेंटर कंपनी के मालिक को बेच दिया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ के एक कर्मचारी ने दावा किया कि इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर आत्माओं का साया है। अक्सर रात के 2 या 3 बजे के करीब यहाँ पर कई बार किसी की मौजूदगी का एहसास होता है या फिर किसी बच्चे के रोने की आवाजें आती हैं। इसी कारण इस बिल्डिंग के कई हिस्सों पर पाबंदी लगाई गई है। यही नहीं, यहाँ की भूतहा गतिविधियों के कारण कई लोग यहाँ से नौकरी छोड़ चुके हैं। मेरठ के इस भूतहा घर में 4 लड़कों को टेबल पर धीमी मोमबत्ती की रोशनी में बियर पीते देखा गया है। यहाँ रहने वाले लोग इस घटना को अक्सर महसूस करते हैं, इसलिए रात तो क्या दिन में भी कोई यहाँ नहीं आता। कई बार लोगों ने यहाँ से कुछ अजीबोगरीब परछाइयों को भी बाहर निकलते हुए देखा है। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।